उन्होंने लेटर मांगा था, हमने दे दिया, अब अभी तो कुछ एक्शन नहीं लिया, तो फिर मैं कहना चाहूँगी जल्द से जल्द हो, क्योंकि डिले हो रहा है बहुत। जब आप वहाँ पर गए तो मनोहर लाल जो हमारे सीएम है उन्होंने आपसे क्या कहा? उन्होंने कहा होगी सीवियर इन्वेस्टिगेशन। आज जिस तरह से गोवा पुलिस भी यहाँ पर पहुँची है, लेकिन भुथन गांव के लोग यहाँ पर मौजूद थे, उनके द्वारा जो है इस जांच की उन्होंने विरोध किया कि हम नहीं चाहते कि गोवा पुलिस जो यहाँ पर आकर जांच करे, हम चाहते हैं सीबीआई जांच ही हो। क्या आप भी उसके पक्ष में हैं? हाँ, अगर वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा, कर तो वो कब से रहे हैं जांच, इसलिए मैं चाहूँगी कि सी बी आई इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द हो। सुधीर सांगवान और सुखविंदर सांगवान जो इसमें दो ये एक्यूज रहे, आप क्या चाहते हैं उनके खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए, क्या सज़ा उनको मिलनी चाहिए? लाइफ इम्प्रिजनमेंट। उससे आप सेटिस्फाई हो जाएंगे? देखते हैं बेटा। यशोधरा, आपकी मम्मी जो एक इतनी बड़ी पॉलिटिशियन थी, उसके बावजूद भी उनके साथ कहते ना रक्षक ही भक्षक बन गया, तो क्या आपको भी लगता है कि आपकी भी जान को भी खतरा है? आप भी किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी की कोई अपील करना चाहते हैं? खतरा तो है, और सिक्योरिटी की अपील करना चाहूँगी, मेरे फैमिली मेम्बर्स जिन्होंने बयान दिया उन्हें भी खतरा है। तो अभी आप क्या चाहते हो कि आपके साथ यहाँ पर क्या सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए हर टाइम, या फिर किस प्रकार की सिक्योरिटी आप चाहते हैं? पुलिस आज फार्म हाउस के ऊपर आई है, उन्होंने जो तथ्य जुटाने की कोशिश करी है, क्या उनसे आपका परिवार और आप मतलब पूछे? अभी तक तो वो परिवार वालों के बयान लेने लग रहे हैं, कोई उन्होंने क्लू तो आगे बताया नहीं है, सुधीर सांगवान ने ऐसा कांड क्यों किया है, तो अभी तो कोई संतुष्ट वाली बात नहीं है। नहीं, घर वालों से तो जिस जिससे जो बात हुई थी वो बात वो नोट करके लेके गए हैं, जैसे जो सोनाली की माँ से बात हुई थी, उसकी सिस्टर से बात हुई थी, उसके भाई से जो बात हुई थी वो लिख के लेके गए हैं। बिटिया से तो वर्बली पूछा थी, बिटिया से तो मतलब जिस रात ये मर्डर हुआ था उस टाइम बात नहीं हुई थी, तो अभी तो हमें तो कोई लग नहीं रहा अभी मजे वाली। वहाँ ये देख रहे थे, पता नहीं अभी जाके पूछे अभी सदर थाने में भी क्या देखे, कुछ कह नहीं सकते अभी, यहाँ तो रुक रही है। नहीं, आप संतुष्ट हैं या नहीं? नहीं, अभी तक हम संतुष्ट नहीं, हम तो सीबीआई की मांग कर रहे हैं। थैंक यू जी। तो जी, ये अमन पुनिया जी थे जो कि गोवा तक वहाँ पे गए हुए थे गोवा में, और इन्होंने कहा है कि अभी हम मतलब गोवा पुलिस की जांच में से संतुष्ट नहीं है, आगे देखते हैं क्या होता है।